हाय व्यूवर्स, मैं हूं अरशद खान, फिर से हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास है सैमसंग न्यू मॉडल A71। इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है, ये चार्जिंग नहीं करता है। इसका ये फॉल्ट कहां से आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको तमाम बताने वाला हूं। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमने इसकी चार्जिंग पिन लगा दी है, ये देखें आप, ये शो करता है, बस इससे आगे नहीं जाता है। ये देख सकते हैं आप, फिर से ये शो कर रहा है मगर ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। इसको हम प्लट कर लगाते हैं, अभी चेक करते हैं। सेम, ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। ये चार्जिंग आइकन्स आता है, उसके बाद ये फिर चला जाता है, ये देख सकते हैं आप। चलें अब इसको चेक करते हैं। ये सेट मैंने पहले से खोला हुआ है, बैक उतारी हुई है, इसको हम हटा लेते हैं। इसका जो एक कड़ा है रिंग, इसको भी हम उतार लेंगे। नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये इसका बैक रिंग हट चुका है दोस्तों। ये इसका है चार्जिंग पीसीबी, इसको हम बाहर निकालेंगे। स्टिपे हटा कर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, ये इसका चार्जिंग पीसीबी है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास न्यू चार्जिंग पीसीबी बोर्ड है। इसको हम लगा कर चेक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास तमाम मॉडल के चार्जिंग पीसीबी बोर्ड अवेल हैं, ओरिजिनल। किसी भाई को चाहिए हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकता है। ये देखें, इसको हम लगा कर चेक करेंगे, ये मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये देखें, ये ओरिजिनल चार्जिंग पीसीबी बोर्ड हैं, इसमें कॉपी भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो आपने पीसीबी इस्तेमाल करना है, वो अच्छी क्वालिटी का करना है, ओरिजिनल ही डालना है आपने। चलिए हम इसको लगा कर चेक करते हैं, देखते हैं कि इससे चार्जिंग का प्रॉब्लम जो है इसका क्लियर होता है या नहीं। ये हम इसका चार्जिंग पीसीबी बोर्ड न्यू लगा रहे हैं, इसकी स्ट्रिप को हम अच्छे से बिठा लेंगे। ये हमने चार्जिंग पीसीबी बोर्ड न्यू डाल दिया, अभी हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये आइकन सो आ गया है, अभी चार्जिंग करता है या नहीं ये चेक करते हैं। ठीक है, ये चार्जिंग कर रहा है दोस्तों, ये देखें। ये जो इसका चार्जिंग का मसला था, ये चार्जिंग पीसीबी बोर्ड इसका शॉर्ट था, जिसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं कर रहा था, ये देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल चार्जिंग कर रहा है, अभी हम इसको ऑन कर कर चेक करेंगे, ये फास्ट चार्जिंग भी करता है कि नहीं करता है वो भी चेक करेंगे हम। ये सेट ऑन हो रहा है, अगर इसमें पीसीबी बोर्ड हल्का डालेंगे आप, ओरिजिनल नहीं होगा, तो वो फास्ट चार्जिंग भी नहीं करेगा।
आपका डाटा केबल का भी प्रॉब्लम करेगा, सिग्नल में भी प्रॉब्लम करेगा वो। ये देखें दोस्तों, ये फास्ट चार्जिंग भी कर रहा है और ये चार्जिंग भी कर रहा है, नॉर्मल भी कर रहा है, फास्ट भी कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये चार्जिंग हो रही है। अभी फास्ट चार्जिंग में आपको चेक कराता हूँ, ये देखें ये फास्ट चार्जिंग भी कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। हम इसको फिर से निकाल कर लगाएंगे जैक को, अभी हम दोबारा चेक करेंगे इसको, ये देखें ये फास्ट चार्जिंग कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, देखें। अच्छा दोस्तों, इसमें जो चार्जिंग प्रॉब्लम है, इसका फास्ट चार्जिंग का प्रॉब्लम भी चार्जिंग पीसीबी बोर्ड से ही आता है, इसके अलावा चार्जिंग ना शो करना भी और स्लो चार्जिंग करना भी और चार्जिंग सवालिया निशान जो आ जाता है वो भी इसी से आता है, इस चार्जिंग पीसीबी बोर्ड से ही आता है। इसको आप इंशाल्लाह चेंज करेंगे, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।